विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण का रास्ता यहीं से निकलने वाला है। जम्मू कश्मीर केवल एक क्षेत्र नहीं है, ये जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है और ऊंचा उठा मस्तक ही विकास और सम्मान का प्रतीक होता है। इसलिए विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत की प्राथमिकता है। साथियों, एक जमाना था जब देश में जो कानून लागू होते थे वो जम्मू कश्मीर में नहीं लागू हो पाते थे। एक जमाना था जब गरीब कल्याण की योजनाएं पूरे देश में लागू होती थी लेकिन जम्मू कश्मीर के मेरे भाई बहन उनका लाभ उनको नहीं मिलता था। और अब देखिए वक्त ने कैसे करवट बदली है। आज यहां श्रीनगर से आपके साथ ही पूरे भारत के लिए भी योजनाओं का आरंभ हुआ है। आज श्रीनगर जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे देश के लिए पर्यटन की नई पहल कर रहा है। इसलिए जम्मू कश्मीर के अलावा देश के 50 से ज्यादा और शहरों से भी हमारे साथ लोग अभी जुड़े हुए हैं। देश भी आज श्रीनगर से जुड़ा हुआ है। आज यहां से स्वदेश दर्शन योजना के तहत 6 परियोजनाएं देश को समर्पित की गई है। इसके अलावा स्वदेश दर्शन स्कीम के अगले चरण का भी शुभारंभ हुआ है। इसके तहत भी जम्मू कश्मीर समेत देश के अन्य स्थानों के लिए करीब 30 परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। आज प्रसाद योजना के तहत 3 परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है। 14 और परियोजनाओं को भी लॉन्च किया गया। पवित्र हजरत बल दरगाह में लोगों की सहूलियत के लिए जो विकास कार्य हो रहे थे वो भी पूरे हो चुके हैं। सरकार ने 40 से ज्यादा ऐसी जगहों की पहचान भी की है जिन्हें अगले 2 वर्ष में टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया जाएगा। आज देखो अपना देश पीपल्स चॉइस अभियान भी लॉन्च किया गया है। इससे एक बहुत बड़ा अनूठा अभियान है। देश के लोग ऑनलाइन जाकर के बताएंगे कि ये देखने जैसी जगह है और उसमें जो टॉप पर आएंगे उनके लिए सरकार पसंदीदा लोगों की चॉइस वाला स्थान के रूप में उसका पर्यटन स्थल के रूप में विकास करेगी। ये जनभागीदारी से निर्णय होगा। आज से प्रवासी भारतीयों को जो दुनिया में रहते हैं ना, क्योंकि मेरा उनसे आग्रह है कि आप डॉलर पाउंड लाओ या ना लाओ लेकिन कम से कम 5 परिवार जो नॉन भारतीय हैं उनको हिंदुस्तान देखने के लिए भेजो। और इसलिए आज प्रवासी भारतीयों को भारत आने के लिए प्रोत्साहित करना, उनके दोस्तों को प्रोत्साहित करना और इसलिए चलो इंडिया अभियान शुरू हो रहा है। इस अभियान के तहत चलो इंडिया वेबसाइट के द्वारा दूसरे देशों में रहने वाले लोगों को भारत आने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इन योजनाओं और अभियानों का बहुत बड़ा लाभ जम्मू कश्मीर के आप लोगों को मिलना ही मिलना है। और मैं तो आपको मालूम है एक और मकसद लेके काम कर रहा हूं। मैं जो भी टूरिस्ट इंडिया के भी निकलते हैं ना उनको कहता हूं आप जाइए लेकिन एक काम मेरा भी करिए। और मेरा क्या काम है, मैं उनको कहता हूं कि आप यात्रा का जो टोटल बजट होगा उसमें से कम 5-10% बजट आप जहां जाते हैं
वहां से लोकल कोई न कोई चीजें खरीदे ताकि वहां के लोगों को आय हो, उनका रोजगार बढ़े और तभी टूरिज्म बढ़ता है। सिर्फ आए देखे चले गए नहीं चलेगा, आपको 5% 10% कुछ खरीदना चाहिए। आज मैंने भी खरीदा, श्रीनगर आए एक बढ़िया चीज देखी, मन कर गया मैंने भी ले लिया। और इसलिए मैं इसके साथ इकोनॉमी का बड़ा मजबूत बनाना चाहता हूं। साथियों, इन योजनाओं से यहां पर्यटन उद्योगों का भी विकास होगा, रोजगार के नए अवसर होंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।